आप देख रहे हैं एडीआई न्यूज और ऑन नेटवर्क देश दुनिया की खास खबरें। और इस वक्त जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं वे दृश्य हैं संस्कृति विश्वविद्यालय छाता मथुरा के, जहां पर कि आज एक किसान कार्यशाला का आयोजन किया गया। संस्कृति स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में जिले के किसानों को बासमती की खेती और मार्केटिंग के बारे में उपयोगी जानकारी दी गई। कार्यशाला में मुख्य अतिथि एपिडा के प्रिंसिपल साइंटिस्ट प्लांट ब्रीडिंग बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन एपिडा डॉक्टर रितेश शर्मा ने किसानों को बताया कि बासमती की खेती सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान में होती है। पाकिस्तान में सिर्फ 14 जिलों में ये खेती होती है, जबकि हमारे यहाँ सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही 30 जिलों में इसकी खेती हो रही है। वैसे अपने देश के 7 राज्यों में बासमती की खेती होती है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद जरूरत के अनुपात में बासमती की खेती बहुत कम है। डॉक्टर रितेश ने किसानों को बताया कि बासमती की फसल में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों को कैसे पहचानते हैं और उनका सहजता से निदान कैसे करते हैं। कार्यशाला में संस्कृति विश्वविद्यालय के चांसलर सचिन गुप्ता भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि संस्कृति विश्वविद्यालय की सोच है कि हम अपने आसपास के किसानों की खेती को उपयोगी और गुणवत्ता युक्त बनाने में उनकी मदद करें।